नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे BBK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। बॉलीवुड की हवा हवाई गर्ल और इंडस्ट्री की लेडी सुपरस्टार के नाम से जानी जाने वाली श्रीदेवी के निधन से पूरा बॉलीवुड शॉक में था। श्रीदेवी की मौत पर आज भी कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं है। उनकी मौत का सबसे ज्यादा सदमा अगर किसी को लगा है तो उनके परिवार को। हालांकि श्रीदेवी का परिवार अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। श्रीदेवी के निधन के बाद पहली बार उनके परिवार में एक खुशी का मौका आया है। दरअसल ये मौका था श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी का जन्मदिन, जिसे श्रीदेवी धूमधाम से मनाना चाहती थी। श्रीदेवी की इच्छा को पूरा किया गया और 6 मार्च के दिन कपूर परिवार में सेलिब्रेशन का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर जाह्नवी को अपने करीबियों और फैंस से ढेरों बधाई संदेश मिले। इसी बीच जाह्नवी के कथित बॉयफ्रेंड अक्षत रंजन ने भी उन्हें बर्थडे विश किया। जाह्नवी ने अक्षत को इसका मजेदार रिप्लाई भी दिया। अक्षत रंजन ने इंस्टाग्राम पर जाह्नवी को हॉट आइकन के साथ हैप्पी बर्थडे लिखकर बधाई दी। जाह्नवी ने उन्हें रिप्लाई में लिखा ILY यानी आई लव यू। बता दें जाह्नवी और अक्षत का अफेयर खूब चर्चा में रहा। जाह्नवी का यह रिलेशन लोगों के सामने उस समय चर्चा में आया जब ये दोनों फिल्म दिए जिंदगी की स्क्रीनिंग पर साथ में दिखाई दिए थे। इसके अलावा दोनों की इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देखकर तो यही लगा कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। अक्षत को जाह्नवी के परिवार के करीब भी कई बार स्पॉट किया गया है। यही नहीं, श्रीदेवी की मौत के बाद अक्षत ने इंस्टाग्राम पर श्रीदेवी के साथ डांस करते हुए एक तस्वीर भी शेयर की थी। बता दे अक्षत अमेरिका में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स कर रहे हैं। अक्षत से पहले जाह्नवी का नाम पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के नाती शिखर पहाड़िया के साथ भी जुड़ा था। हालांकि जाह्नवी बॉलीवुड में अपनी डेब्यू फिल्म धड़क की वजह से भी सुर्खियों में छाई हुई है। इस फिल्म में जाह्नवी के साथ शहीद कपूर के भाई ईशान खट्टर भी नजर आने वाले हैं।